तो यहाँ पर अगर आपको डाटाबेस पता करना हो कि आपके पास कितने डाटाबेसेस बने हुए हैं, तो ये MySQL ओपन है। अब यहाँ डाटाबेस को पता करने का एक ही कमांड है, मान लीजिए कितने डाटाबेस बने हुए हैं ये पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपली एक कमांड टाइप करना है शो, क्योंकि हमको देखना है डाटाबेस, तो यहाँ लिखेंगे डाटाबेस। अब जरा एक मिनट यहाँ पे रुकना पड़ेगा, अगर आप शो डाटाबेस लिख देंगे तो नहीं डाटाबेस तो होगा, एरर आ जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, शो डाटाबेसेस, ठीक है। अब ये लिख करके सेमी कॉलन देना है, सेमी कॉलन, तो ये सेमी कॉलन है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि आपने कितना डाटाबेस बनाया है। तो चलिए प्रेस कर देते हैं एंटर, तो ये देखिए ये इतने सारे डेटाबेसेस बने हुए हैं। तो आपको इनमें से कोई भी डेटाबेस यूज करना हो तो किसी भी डेटाबेस को आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, यूज करने का क्या तरीका है? जैसे मान लीजिए इम्प्लॉई डी वाला डाटाबेस यूज करना है या डेमो वाला डाटाबेस यूज करना है, कोई भी डाटाबेस यूज करना है, तो करना क्या होगा? करना कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ लिखना है यूज नाम का कीवर्ड। हमें कौन सा डाटाबेस यूज करना, लाइक डेमो यूज करना है, तो यहाँ लिखा डेमो और यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, एंटर कर दिया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ गया, डाटाबेस चेंज। अब हमको उस डाटाबेस के अंदर टेबल्स देखनी है, तो हम तो उस डाटाबेस में आ चुके हैं जिसका नाम क्या है, डेमो है। तो यहाँ पे लिखिएगा शो टेबल्स, टेबल नहीं लिखना, टेबल्स, ठीक है। और यहाँ टर्मिनेट करके एंटर करना है, क्योंकि इसमें एक कंप्यूटर नाम से टेबल बनी है, माई टीवी नाम से बनी है, माई टीटी नाम से बनी है, स्टूडेंट्स के नाम से बनी है। अब आप तय कीजिए कि आपको कौन सा टेबल यूज करना है, ठीक है। ये टेबल्स बने हुए हैं, तो बने हुए टेबल्स को यूज करने के लिए हम जो सेलेक्ट कमांड है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट कमांड हम टाइप करेंगे, और सेलेक्ट करते समय कहाँ से, देखिए इसमें कंडीशंस भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए ये सेलेक्ट लिखा हमने, अगर पूरा टेबल ही सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट फ्रॉम, फिर टेबल का नाम देना होगा। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ माई टीवी, तो ये टेबल है, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, तो ये देखिए इसमें दिखा रहा है एम्प्टी सेट, यानी टेबल में कोई भी डेटा फिल नहीं किया गया है। तो फिर हमें इसमें डेटा इंसर्ट कराना होगा, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे डेटा इंसर्ट कराएंगे, फील्ड्स भी नहीं है इसमें, तो वो फील्ड हमें डालने होंगे, इसमें डेटा को इंसर्ट कराना होगा। तो फिर हमें वही कमांड यूज करना होगा, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू का यूज करके डाल सकते हैं। तो ये सारे ही टेबल एम्प्टी सेट है, लेकिन क्या इनमें डेटा टाइप दिया गया है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन कमांड को यूज करेंगे, डिस्क्राइब कमांड को यूज करेंगे, और यहाँ पर हम उस टेबल का नाम दे देंगे। लाइक जैसे मान लीजिए ऊपर सारा एम्प्टी सेट ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ माई टीटी लिखता हूँ, तो माई टीटी के पूरे टेबल को ये डिस्क्राइब करके दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर आईडी है, ठीक है, और फिर इंट डेटा टाइप है, और ये नेम है, तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप लिया गया है। अब इसमें डेटा इंसर्ट कराना होगा, तो इंसर्ट इनटू कमांड से हम डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं, इंसर्ट इनटू कमांड कई बार बता चुका हूँ, इंसर्ट इनटू, और फिर यहाँ टेबल का नाम देना है लाइक माई टीटी, और फिर यहाँ पर हमें एक एक करके फील्ड नेम टाइप करना होगा, तो फील्ड नेम आप टाइप कर सकते हैं, ये तो कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी।